Hi Mithun, welcome to Rajas of Ranji. This is an episode to talk about cricketers who have performed brilliantly in the Ranji Trophy but have been unfortunate not to represent the country. There is no doubt that they've contributed enormously to Indian cricket. Thank you Ashwin for having me on the show. It's an absolute pleasure. तो आप एक बार बताएं, ये आपका सफर शुरू कैसे हुआ? सर, ये सफर तब शुरू हुआ जब मैं 8 या 9 साल का था। जैसे हर एक लड़के की जिंदगी में शुरू होता था, हम गली में खेलते थे, मोहल्ला में खेलते थे, वहीं से सफर शुरू हुआ। लेकिन असली इंटरेस्ट जो है तब डेवलप हुआ जब मैं 13 से 14 साल का हो गया। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जम्मू स्टेडियम, जहाँ पे काउंसिल हैंडल करती है उनको, और वहाँ पे मैंने प्रोफेशनल कोचिंग लेना शुरू करी। तो आपको पहले ही लगा कि आपने क्रिकेटिंग टैलेंट है? आपको खुद लगा कि आप कुछ कर सकते हैं आगे जाके? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खेलने में ज्यादा था। मैं आई वाज मोर ऑफ आउटडोर काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मेरा पढ़ाई में जरा कम मन लगता था। तो बेसिकली इट वाज जस्ट दैट आई डोंट वांटेड टू स्पेंड ऑल माय टाइम स्टडीइंग, सो दिस वाज माय अ वेंट बेसिकली टू गेट ऑफ स्टडीज। सो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। फिर मोहल्ले की टीम्स होती थी, उसमें मैं सबसे छोटा था, तो 12th मैन बनने का मौका मिलता था, तो हम उसी में बड़ा खुश रहते थे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंटरेस्ट डेवलप होता गया और आगे बढ़ते गए। तो आप सीरियस क्रिकेट की तरफ कैसे बढ़े? मेरे ख्याल से जब मैं 11 साल का था तो मैं 2 साल के लिए बोर्डिंग चला गया था। तो मेरे ख्याल से तब मैं सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, हॉस्टल में था। तो समहाउ आई स्टार्टेड मिसिंग क्रिकेट मोर, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में नहीं था तब मैं ज्यादातर क्रिकेट खेलता था, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो स्टेडियम जाया करते थे। ही वॉज अ डे स्कॉलर देन, he was not in the hostel but he was a day scholar, he was coming from home, और मेरे को उन्होंने हॉस्टल में डाला था क्योंकि हम शैतान बड़े थे। तो जस्ट टू टेम मी माय पेरेंट्स पुट मी इन द हॉस्टल। तो जैसे ही मुझे 2 साल बाद मौका मिला घर से आने का, और हॉस्टल से मैं वापस घर चला गया, तो मेरा इंटरेस्ट एकदम डेवलप हो गया, क्योंकि तब तक वो जो लोकल टीम्स थी एरियाज की या कैंपस की, माय फादर वाज अ डॉक्टर इन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की एक टीम होती थी, तो वो उसमें रेगुलर खेलता था और स्टेडियम की एज ग्रुप टीम्स में रेगुलर खेलता था। तो जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू हुआ तो उसको देख देख के मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। ये दिल्ली का सफर कब हुआ? आप कब आए दिल्ली? आप सर, मैं जैसे 12th के एग्जाम क्लियर किए, तो बाय देन माय एल्डर ब्रदर हैड बिकम अ कमर्शियल पायलट, ही वाज वर्किंग फॉर एयर इंडिया, सो आई टू हैड अ पैशन फॉर flying, so I enrolled myself in Delhi Flying Club जो सफदरजंग में है। वहाँ पे student flying lessons हमने लेना शुरू कर दिए, student pilot's license भी ले लिया। तो that is how I came to Delhi 12th के बाद। लेकिन side by side मेरा cricket चलता रहा, जो कि मैं मेरे ख्याल से सोनेट क्लब में जाके खेलता था, उनके लिए काफी सारे local matches खेलता था। तो जम्मू में मैं जब खेल रहा था तब मैं under-19 काफी अच्छी level पे खेल चुका था, मतलब मैं स्टेट का कैप्टन था, नॉर्थ जोन रेस्ट ऑफ इंडिया, इवन की बोर्ड प्रेसिडेंट 11 जो साउथ अफ्रीकन बोर्ड प्रेसिडेंट 11 थी, अंडर 19 यहाँ पर आई थी, तो उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका था, और मैं अंडर 19 इंडिया के लिए स्टैंड बाइज में था। तो जम्मू से मेरी एक शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन एक उसको पॉलिश करने के लिए मेरे पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं दिल्ली में आके कुछ प्रोफेशनली भी कर सकूँ और खेलूँ भी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को तब ये नहीं कह सकता था कि मेरे को सिर्फ क्रिकेट खेलना है, क्योंकि उस टाइम पे if I told my parents that I'll take cricket as a profession, so nobody would have listened to me. Things were quite different way back then. So that is how I came to Delhi and my cricketing journey started. So initial आपका जो सफर था that took place the way it took place, but yeah, how would you say which performance of yours pushed you into first class cricket? I would say मेरे ख्याल से जब मैं Delhi under 19 के लिए खेला तो वो काफी मुश्किल दौर था मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल नहीं था। तो जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे उसमें मेरी काफ़ी सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस थे, तो मेरे को जो हमारे सीनियर्स थे दिल्ली में, रमन लांबा या और जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी नोटिस किया, और दे पुट इन अ वर्ड फॉर मी इन DDCA। हमारे शील मेला एक सिलेक्टर होते थे अंडर 19 के, ही टोल्ड मी, रमन लांबा वेंट एंड मेट हिम एंड टोल्ड मी दैट दिस गाय हैज गॉट पोटेंशियल, यू मस्ट कंसिडर हिम। और तब और जब मैं जेएनके से खेल रहा था तो मैं दिल्ली अंडर 19 के अगेंस्ट काफी 1-2 सेंचुरीज बना चुका था 2-3 मैचेस में, तो वो एक एडेड एडवांटेज मिला। मैं दिल्ली के लिए सिलेक्ट हुआ और दिल्ली के जो हमारे नॉर्थ जोन के लीग मैचेस होते थे उसमें मैंने 500 से ज्यादा रन बनाए 5 गेम्स में, कोई 25 या 30 विकेट लिए, एक हैट्रिक ली। फिर मैं नॉर्थ जोन के लिए खेला, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेला, वहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस हुई। फिर मैं इंडिया अंडर 19 खेलने श्रीलंका के टूर पे चला गया। मेरे ख्याल से उस टाइम जो दिल्ली की स्क्वाड था वो इतना पैक्ड और इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे उसमें कि जब तक आप इंडिया अंडर 19 ना खेलें और उसमें परफॉर्मेंस ना हो, मेरे ख्याल से आपको वो ब्रेक इन करना बहुत मुश्किल था। तो मेरे ख्याल से जो एक मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाया अंडर 19 लेवल पे, मेरे ख्याल से उसकी बेसिस पे मुझे वो खेलने का मौका मिला फर्स्ट क्लास टीम। फिर भी कोई ऐसा एक परफॉर्मेंस हो जिसको आपको आउटलाइन करना हो, जिस वजह से आपको फाइनली पहले मैच में ब्रेक मिला रणजी ट्रॉफी में, वो कोई ऐसा है परफॉर्मेंस? मेरे ख्याल से मेरा काफी नाम हो चुका था तब तक दिल्ली सर्किट में और जो मैं परफॉर्मेंस करके आया था, मेरे ख्याल हमारे कोच जो अंशुमन गायकवाड़ थे उन्होंने बड़ा हाईली रिकमेंड किया था मेरे को और तो उसकी जो बेसिस थी उसी पे मेरे को मैं सिलेक्ट हुआ। और जो हम क्या कहते हैं प्रैक्टिस मैच खेलते हैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले, मेरे ख्याल उसमें भी मेरी डिसेंट परफॉर्मेंस थी और उसकी बेसिस पे मुझे खेलने का मौका मिला वहाँ पे। और मेरे ख्याल से हर एक प्लेयर जो भी रणजी ट्रॉफी खेलता है उसके लिए फर्स्ट जो गेम्स होते हैं, फर्स्ट फ्यू गेम्स, इट्स आइदर मेक और ब्रेक फॉर देम। तो सेम वाज द केस फॉर मी। लेकिन लकीली जो मैं अपनी फर्स्ट गेम खेल रहा था हरियाणा के अगेंस्ट दिल्ली फिरोजिया कोटला में 97 में, उसमें मैंने 50+ रन का स्कोर बनाया था और वो एक ही 50 रन+ का स्कोर था जो पूरे मैच में हुआ था दोनों टीम से। सो वो मेरे लिए एक एडवांटेज थी और उसकी बदौलत दिल्ली को फर्स्ट इनिंग लीड मिली थी। और उसकी वजह से जो था, जो मेरे सीनियर्स थे उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है, इसको प्रमोट करना चाहिए। और उसके बाद दूसरे गेम में खेलने का मौका मिला जिसमें मैंने सेंचुरी बनाई सर्विसेज के अगेंस्ट। फिर तीसरी गेम में भी मेरे 70 ऑड रन थे पंजाब के अगेंस्ट। तो वो जो मेरे इनिशियल 2-3 स्कोर्स थे जो टीम को हेल्प कर पाए मेरे फर्स्ट इनिंग लीड लेने में या गेम्स को बचाने में, मेरे ख्याल उससे मुझे काफ़ी एडवांटेज मिली। जो सीनियर्स थे या इवन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, दे स्टार्टेड बिलीविंग कि इसमें पोटेंशियल है, ये दिल्ली को लंबे समय तक सर्व कर सकता है। और वो पहले मैच में अजय जडेजा ने आप पे प्रेशर डाल के अंपायर पे आउट कराया आपको, ऐसा ही कुछ हुआ था आपका? हाँ, एक बड़ी फनी स्टोरी है। मतलब स्पिनर्स डाल रहे थे बॉल, मैं काफ़ी बेटर खेल रहा था उनको, तो मीडियम पेसर्स हट चुके थे। तो उसी वक्त मैंने हेलमेट उतार के बाहर भेजा, कैप मंगाई और पहनना शुरू किया और अजय जडेजा ने बॉल ले ली। और आज आके 2-3 ओवर उसने डाले और एक बीच में बाउंसर मारा, तो आई वेंट फॉर द पुल, कुछ टच नहीं हुआ, कॉट बिहाइंड एम्पायर, कीपर ने पकड़ा बॉल। विजय यादव कीपर थे, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे। अजय जडेजा सिर्फ दौड़ते चले गए, विजय यादव के साथ में ताली मिलाई, एम्पायर ने कुछ देखा नहीं, बोला नहीं, उंगली खड़ी कर दी और हम बाहर चले गए। सो फनी स्टोरीज है, लेकिन कोई नहीं, दैट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो एक्चुअली दिस वाज अ गुड वेक अप कॉल। तो एक्चुअली फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होता है, इससे आपको पता भी चल गया होगा उस पहले ही मैच में। एब्सोल्युटली आंखें खुल चुकी थी, समझ आ गई कितना लाइटली नहीं लेना है और गलती हमेशा आपकी नहीं होती आउट होने में, दूसरे की चालाकी से भी आप आउट दिए जा सकते हो। दैट वाज अ लेसन लर्नड अर्ली इन माय क्रिकेटिंग कैरियर। बिल्कुल। तो आप इतने सारे 157 मैच खेले हो, आपके पास तो ढेर सारी कहानियां होंगी कि ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। पहले हम ऑन द फील्ड की बात करते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त कोई अगर 2-3 घटनाएं आप जो आपको आज भी याद आती हैं इतने साल खेल के, 20 साल खेल के, उनमें से आप सुना सकें तो बड़ा मजा आएगा। मेरे ख्याल से दिस गोज बैक टू द ईयर 2012। आई थिंक वी वर प्लेइंग इन राजकोट अगेंस्ट वेस्ट जोन आई थिंक, और चौथे दिन का खेल था। मैं स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहा था, तो जैसे फील्डर्स नॉर्मली स्टार्ट लेते हैं जब द बॉलर इज अबाउट टू बॉल, हमने भी नॉर्मल स्टार्ट लिया, बॉल हुई, कीपर के पास गई, द प्रोसेस गॉट ओवर। तो जैसे ही मैं वापस मुड़ के आ रहा था, आई हर्ड द स्क्वायर लेग अंपायर विस्परिंग समथिंग। आई थॉट ही वाज टॉकिंग टू मी एंड द मोमेंट आई लुक्ड अप, आई सॉ दैट उसने आपकी तरह कान में वो ईयर प्लग्स लगाए हुए थे, लीड थी, जेब में फोन था और वो बात कर रहे थे बड़े मजे से। अरे वाह। और दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। आई वाज वेरी अम्यूज्ड कि मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज देखी थी। दैट्स अनदर स्टोरी कि वो एम्पायर बाद में बैन हो गए मेरे ख्याल 1 या 2 सीजन के लिए, बट दिस मेमोरी हैज स्टेड विद मी फॉर क्वाइट सम टाइम। अक्सर ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट फील्ड में किसी और से बात करते हैं और बाहर जाके क्रिकेट की किताबें पढ़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है। और हमने ये भी सुना है कि कई हेडिंग्स आती है ना, मिथुन मन्हास टोर द ऑपोजिशन अटैक अपार्ट, पर ये फाड़ने की आदत आपकी पहले कम्युनिज्म से शुरू हुई? जी, पहले ये भी एक इंसिडेंट है। हम मेरे ख्याल से 2004-05 में नॉर्थ जोन का मैच खेल रहे थे अगरतला में, ईस्ट जोन में। तो हमारे एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे हिमाचल के, राजीव नैयर उस टाइम के कप्तान थे वो उनके। तो वो बैटिंग कर रहे थे और हम 12th मैन थे, हमने इन्हें अपनी जगह बना रहे थे दिलीप ट्रॉफी की टीम में। तो शुरुआत 12th मैन ही से होती थी। तो हमारा जो काम था वो पानी पिलाना, ड्रिंक सर्व करना, कपड़े सुखाना, ये सब था। तो उनकी शर्ट थी एक जो उन्होंने मुझे लंच टाइम में दी सुखाने को, उस पर काफी सारे होल्स थे। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये बंदा ये होल वाली टी शर्ट क्यों मारता है। तो हम जैसे थोड़ी शैतानी दिमाग के थे, हमने वो टी शर्ट क्या किया, वो टी शर्ट फाड़ दी और उनको अपनी एक नई टी शर्ट दे दी। लेकिन वो बहुत गुस्सा हुए हमसे, बड़ा उन्होंने कर्स किया हमें। और वो बड़े शिव जी के भक्त थे, उन्होंने एक शाप में बोला कि जा, तेरा कैरियर, तेरा 1 साल देखना कैसा जाएगा। और अल्टीमेटली वही हुआ। 1 साल तक मेरे बैट पे तो बॉल लगती नहीं थी, पैड से कभी लग के विकेट पे चली जाती थी, कभी कॉर्ड बैंड हो जाता था, एक स्लिप थी। तो वो भी दिन था, इट वॉज फनी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उनकी लकी टी शर्ट है। और वो उनके पास 2 थी एयर इंडिया की टी शर्ट, और वो वही पहनते थे। बट लेकिन टू माई बैड लक, या मेरे को बोलो कि हमें आइडिया नहीं था कि हमने उनकी वो टी शर्ट फाड़ दी एंड वी हैड टू बेयर द ब्रंट। सो दैट वाज वन ऑफ दोस फनी इंसिडेंट्स दैट हैपेंड। तो उसके बाद आप उनके आमने सामने आए कभी? नहीं, उसके बाद मैंने तो उनके दूर से ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाता था। टी शर्ट तो बड़ी दूर की बात, कोई भी चीज को हाथ भी नहीं लगाता था मैं। और क्रिकेट खेलते वक्त और कभी 100 करते वक्त या आपकी रणजी ट्रॉफी जीते भी हो, उसकी कोई कहानियां हैं? एक और बड़ा फनी इंसिडेंट है। हम आईपीएल खेल रहे थे पुणे वॉरियर्स के लिए, ईयर इट वाज आई थिंक 2012। यस, नॉर्मली हम फिजियो के रूम में जाते हैं, शाम को अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। हमारे एक फिजियो थे जो मेन फिजियो थे, डेल नेलर इंग्लैंड से थे, सरे की टीम को हैंडल करते थे, पाकिस्तान टीम के भी फिजियो रह चुके हैं। और उनके साथ हमारे एक असिस्टेंट फिजियो थे वैभव दागा। तो हमें पता नहीं क्या सूझी, काफी जने थे ड्रेसिंग रूम में। युवराज सिंह अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, मुरली कार्तिक भी थे मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर, एंड दीपदास वाज आवर मैनेजर, ही वाज हैंडलिंग ऑपरेशंस इन सहारा। तो हमारे क्या कहते हैं दागा साहब अपने फोन के साथ खेल रहे थे और हम भी आपस में गप्पे मार रहे थे, वेट कर रहे थे कि डेल नेलर आएंगे, थोड़ा ट्रीटमेंट देंगे। तो पता नहीं क्या सूझा, आंखों में इशारा हुआ लड़कों में, तो हमने वैभव दागा जी को भेज दिया डेल नेलर को लाने के लिए कि आप पता करें कि कितनी जल्दी वो आ सकते हैं। तो जैसे ही डागा साहब चले तो गए, लेकिन अपना फुल फोन भूल गए ड्रेसिंग रूम में। तो लकीली फोन खुला हुआ था, हमने उनका रेजिग्नेशन टाइप किया एंड वी सेंट इट टू दीप एंड वी टुक दीप इनटू कॉन्फिडेंस कि यू कॉल आफ्टर 5 मिनट्स एंड एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन एंड टेल हिम योर पार्ट ऑफ द स्टोरी, व्हाटएवर यू हैव टू टेल हिम। जब तक वो आते हमने फोन वापस रख दिया और एग्जैक्टली वही सीन हुआ। 5 मिनट बाद फोन हुआ, फोन बजा उनका और उसको बोला गया कि आपका क्या कहते हैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, दो वी वांटेड दैट कि आप बड़े अच्छे फिजियो हैं, यू शुड कंटिन्यू विद अस। तो जो उनका चेहरा उस टाइम देखने का था, लाल पीले हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट द पुअर गाय अल्टीमेटली वी हैड टू टेल हिम आफ्टर 5-10 मिनट्स, अदरवाइज यू नो वी उसको हो सकता है कि अस्पताल भी ले जाना पड़ता। पर आप क्या करते अगर साथ फोन ले जाते तो? ये तो आपकी किस्मत है कि फोन छोड़ गए हो। तो कुछ और रूम में फोन कराते, कुछ ना कुछ तो कराते। तरीका ही ढूंढना था, कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेते। चलो। और सर one instance where we, you know, अच्छा। और सर ये जो टूर करते वक्त एक कैमराडरी बन जाता है, जो 15-16 कभी कभार 20-20 जने एक साथ टूर करते हैं और ट्रैवल करते हैं, दुनिया देखते हैं, उसके कोई किस्से हैं? एनीथिंग मेमोरेबल? ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। हाँ, काफी सारे किस्से हैं। एक बारी हम मेरे ख्याल से लुधियाना में मैच खेल रहे थे, दिल्ली पंजाब का मैच था। तो हम बाय रोड बस में गए थे, बहुत बड़ी बस थी, हम उसमें गए थे क्योंकि तब लीग नॉर्थ जोन में लीग होता था। पहले हरियाणा पंजाब हिमाचल ऐसे ट्रैवल करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप बस ही ले जाइए। तो हमारा मैच था लुधियाना में, तो काफी मेमोरेबल मैच था। मेरे ख्याल से वीरू वॉज यू नो हैविंग फीवर और उसने उस मैच में 180 रन बनाए थे। हम 3 रन से लीड लेना रह गए थे। तो हम 3-4 जने थे, छोटे थे, वापस आना चाह रहे थे, तो हमें लगा कि हमारा जो दोस्त है वीरू है, इसकी तबीयत खराब है, अगर हम ट्रेन में जाएंगे शताब्दी में तो जल्दी पहुंच जाएंगे 3-4 घंटे में। तो वहां पे आशीष नेहरा के चाचा रहते हैं, तो एक चाचा थे वो हमें शाम को हमारे लिए डिनर भी लाते थे, साग रोटियां खिलाया करते थे। तो उन्होंने हमारी टिकट्स बुक करा दी। शाम को 6 मैच खत्म हुआ, बस चल पड़ी, उन्होंने कहा जाना है, हमने कहा नहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी 7 बजे की ट्रेन है, हम इसमें जाएंगे बैठ जाएंगे। अब 7 बजे आए, हमने आराम से अपना लगेज वगैज डाला, ट्रेन में हम बैठ गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बाहर चार्ट पे हमारा नाम ही नहीं, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही टीटी साहब आए हमने वो चेक कराई, सामान तो हमने रख दिया, अब जाना तो था, हमने कहा कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोच नंबर, बर्थ वगैरह कुछ ना कुछ हो गया होगा। जैसे ही हमने सामान रखा तो टीटी साहब आए, टीटी साहब ने कहा सर ये आपकी जो टिकट है ये शाम की 7 की नहीं, सुबह की 7 बजे की थी। तो वो एपिसोड हो गया। तो अब हम अपना सामान नीचे फेंक रहे हैं, चाचा आशीष के चाचा सामान अंदर फेंक रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम बैठ गए एज यूजुअल, हमें आदत तो थी 2nd क्लास में ट्रेन में ट्रैवल करने की। हमने वो टॉयलेट के साथ जो दरवाजा होता है एक बंद किया, किट बैग रखे, वीरू को उसको ऊपर बिठाया, जैकेट पहनाई कि तेरे को बुखार है तू लेट जा, हम तब तो कुछ ना कुछ सीन बनाते हैं, टीटी को इम्प्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो टीटी साहब आए, टीटी साहब ने कहा हाँ हाँ मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। फिर हमने अपनी स्टोरी सुनाई, सर हमारे साथ ऐसा हुआ ये वो, पूरा सिंपैथी का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, सारा कुछ हुआ। तो टीटी साहब ने कहा चलो मैं आप तुम्हारी टिकट कर देता हूँ, कुछ ना कुछ कर दूंगा। तो वहाँ पे 3-4 सीट्स अवेलेबल थी, चेयर कार थी, तो लकीली हमें मिल गई। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन तुम क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हैं, तुम्हें सामान भी मिलता है, ये भी मिलता है। हमने कहा जी हाँ सब कुछ मिलता है। उन्होंने कहा ये एड्रेस नोट, हमने कहा सर आप हमें अपना फोन नंबर दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए अपनी तरफ से। हमने कहा, मैंने कहा सर हम आपके लिए गिफ्ट भेजेंगे, आपने बड़ी हमारी मदद करी, सारा कुछ किया। तो वो सब हुआ, हमारा पैक्ट फाइनल हुआ, तो जाके हमें आराम मिला, फिर जाके सेटल होके दिल्ली पहुंचे। तो ये जो चाचा जी का एपिसोड था ये भूला नहीं। और नेहरा जी ने क्या कहा इसके बारे में आएंगे, नेहरा जी ने वो टॉपिक कभी छेड़ा नहीं आज तक। अच्छा सर, आप इतने सारे बॉलरों के साथ खेले हो, बॉलरों के अगेंस्ट खेले हो, आपने इंडियन इंटरनेशनल बॉलर भी खेले हैं, इंडिया के नहीं आईपीएल में भी आपने बाहर के भी इंटरनेशनल बॉलर खेले। तो अगर आपको कोई एक बॉलर पिक करना पड़े कि इसने तंग वाली बात नहीं है, इसने आपको काफी चैलेंजिंग स्पेल्स डाले, तो कौन सा बॉलर होगा? सर देखिए डोमेस्टिक सर्किट में हर एक टीम में जब करियर की शुरुआत हुई थी तो आपके पास 1 या 2 बॉलर होते थे, लेकिन आप उनको टैकल कर लेते थे समहाउ, मतलब एक लिमिट था जितनी देर तक वो एक स्पेल डाल सकते थे, कहीं ना कहीं आपको ब्रीदर मिल जाता था। लेकिन एक स्पेल मेरे को याद आता है, 2014 में हम बॉम्बे के अगेंस्ट खेल रहे थे, जिमखाना ग्राउंड में, सॉरी बीकेसी में खेल रहे थे बॉम्बे में, और जहीर खान वो गेम खेल रहे थे। मुझे अभी भी याद है, इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, लेकिन एक स्पेल 8 या 10 ओवर का जहीर खान ने डाला था, मैं और गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे। तो वो ऐसा स्पेल था कि उसमें हमें मतलब हिलने का मौका नहीं मिल रहा था, कि हम ऐसा नहीं था कि हम आसानी से दूसरे एंड पे चले जाएं। मतलब काफी मतलब वो स्पेल खेलना, मतलब कि अगर आप थोड़े से भी लीनियंसी या आपकी कंसंट्रेशन में लैप होता तो आप मेरे ख्याल वो आउट हो जाते आप। तो वो एक स्पेल था, वो इसलिए भी अच्छा लगा मेरे को क्योंकि एक नॉर्मली जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आके डोमेस्टिक खेलते हैं तो उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होती। हाँ, तो एक इंटरनेशनल बॉलर से ऐसा स्पेल एक्सेप्ट वो मतलब खेलना, वो भी एक डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब बहुत कम देखने को मिलता था। और एक जहीर खान ने उस दिन वो जो स्पेल डाला था वो एक काफी बेहतरीन स्पेल था और उनमें से एक स्पेल था। आपने कई शॉट खेले होंगे लाइफ में, कई सारे, पर कोई अगर एक शॉट आपके दिमाग में आता कि जो दिमाग से हटता नहीं है कि मैंने ये शॉट खेला था, ऐसा कोई शॉट है? सर एक मेरा को कट शॉट जो था मेरा बहुत फेवरेट था, क्योंकि इनिशियली मेरे ख्याल से इट वाज पार्ट ऑफ माय सिस्टम, अब कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जब हम J&K में खेलते थे तो टर्फ विकेट्स नहीं थे, आइदर वी यूज्ड टू प्ले ऑन सीमेंट और मैटिंग, तो एक कट शॉट नेचुरली डेवलप होता चला गया क्योंकि इट वाज अ वेरी पेइंग शॉट, इंस्टिंक्टिव, और काफी मजा आता था खेलने में, ऊपर से भी खेल सकते थे, नीचे से भी खेल सकते थे। तो दिस वाज वन शॉट आई रियली एंजॉयड, मतलब क्योंकि उसने काफी, उस शॉट ने मेरे काफी रन बनाए क्रिकेट में, तो I love the cut shot. पर किसी मैच में कोई एक शॉट आपको याद करना, ऐसा याद आ रहा है कोई शॉट या नहीं? सर काफी सारे हैं, ये तो हर एक मैच में खेलने को मिलता था, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो जब आप सेट हो जाते थे, जब आपकी फील्ड खुल जाती थी, तो ये जो एक ऐसा शॉट है ये काफी आपको पेइंग शॉट है, आप मतलब पॉइंट्स के पीछे भी खेल सकते हैं, पॉइंट के आगे भी खेल सकते हैं, और अगर गेम खुल गई और फील्डर पीछे है तो मतलब आपको फिर आसानी हो जाती है अगर आपके पास कट शॉट है। आजकल तो थर्ड मैन के ऊपर से भी खेल लेते हैं सर, लेट कट ही है। जी 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 बिल्कुल। और कैच जो आपने पकड़ा हो, क्योंकि आप कीपर भी थे, आपने आउटफील्ड में भी फील्डिंग करी है, क्लोज इन भी की है, एनी वन कैच दैट कमिंग टू योर माइंड? सर मेरे ख्याल से 99 में हम तमिलनाडु के अगेंस्ट खेल रहे थे, इट वाज अ रैंक टर्नर, डब्ल्यूवी रामन मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, सेंचुरी करने वाले थे या कर चुके थे, बट he was literally toying with the bowling. He was scoring a boundary or two every over, so he was just picking his spots. और हमारे then captain अजय शर्मा, मेरे ख्याल से उन्होंने वीरू तब पार्ट टाइम बॉल डाला करते थे, उनको बॉल दी और वो जो मेरे ख्याल से फार एंड से जहाँ पे नेट्स हैं चेन्नई में, वहां से बॉल डाल रहे थे। आई वॉज स्टैंडिंग एट वाइड लॉन्ग ऑन, तो थोड़ा मिड विकेट का एरिया भी कवर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूवी रामन निकले, उन्होंने वीरू के ही यू नो हिट दैट शॉट ओवर हिज हेड, सीधा स्क्रीन के सामने, और आई हैड टू रन गुड 15 यार्ड्स आई थिंक, तो आई कवर दैट ग्राउंड एंड टुक दैट कैच। और कैच ने मुझे पकड़ा या मैंने कैच को पकड़ा वो मुझे पता नहीं, घिरे फिरे समहाउ मैनेज टू यू नो हैंग ऑन टू दैट कैच। और वो जो कैच था वो हमेशा मुझे याद रहेगा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, बिकॉज ही वाज गोइंग यू नो एब्सोल्युटली he was hammering us all over the park, aur wo agar us time pe agar wicket nahi milti to then probably it would have been difficult to save the game. I think was it a single handed catch? I remember, yes, I think it was a single handed catch, aur uske baad jab gira to fir maine do haath lagaye usko. I think it happens to be Viru's first wicket in first class cricket as well. I hope he remembers it. Yeah, he better remember it. Coming to sledging, sledging is very common. I don't think there's any cricketer in the world who has not got sledged. So आपको कुछ याद आ रहा है कि कोई इंटरेस्टिंग या मजेदार स्लेजिंग आपके साथ हुआ हो या आपने किया हो? सर नॉर्मली स्लेजिंग हम करते नहीं थे इतनी, तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, मतलब कि यू नो इट इज बेस्ट टू लेट योर बैट डू द टॉकिंग। सुनने को तो बड़ी गालियां पड़ी हमें, बहुत अजीबोगरीब बातें फैमिली के लिए, ये सब कुछ पड़ी, लेकिन मेरा टेक है स्लेजिंग पे है, मतलब कि इट शुड नॉट हैपन यू नो एट सच अ पर्सनल लेवल। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अब्यूज एंड बैंटर, एज लॉन्ग एज इट्स यू नो यू डू इट इन द राइट वे, इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम। अ हेल्दी बैंटर इज अ गुड थिंग, सो अगर आप उस लेवल पे करते हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज यू नो बियॉन्ड अ पॉइंट यू नो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम डेरोगेटरी रिमार्क्स और एनीथिंग यू नो वेयर यू जेपर्डाइज your country's reputation, your own reputation as an individual. So you know, and you being an ambassador of the country, you know, these things should not go beyond a point. So as long as it's a healthy banter, you're trying to take a mickey out of someone, that's fine, but itna hona nahi chahiye. But over the years what I've seen, it has gone down, you know, matlab काफी हद तक नीचे चला गया, and now people have realized and they've started differentiating. You know, they know now where to draw the line, so that's a good thing now. तो आपके साथ कोई वेजिटेरियन स्लेज हुआ है? नॉन वेज हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ सर। वेजिटेरियन तो फिर स्लेजिंग हुई नहीं ना। तो जो भी था वो नॉन वेज ही था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पर्सनल नोट पे फिर नहीं फेयर बताएंगे। हाँ नहीं फेयर, वो तो हम बैठ के बात करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके करियर के हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स, इफ वन हाईएस्ट पॉइंट एंड वन लोएस्ट पॉइंट आपको चुनना हो तो क्या होगा? सर मेरा जो, लेट्स स्टार्ट विद द लोएस्ट फर्स्ट, दैट यू नो आई काफी समय तक मुझे ये रिग्रेट रहा कि एक तो आई कुडंट प्ले फॉर द कंट्री, मगर उससे बड़ा रिग्रेट ये रहा कि एज अ बैट्समैन यू नो माय एबिलिटीज यू नो मेरे को कभी पता नहीं लगेगा हाउ गुड आई वाज एज अ बैट्समैन, बिकॉज आई नेवर गॉट टेस्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल और अगेंस्ट द यू नो अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड, यू नो वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट during my era, but I played them in you know IPL, which is just probably you face them for a over or two, or usme bhi it is more about you know hitting them or they trying to get you wicket or probably save runs, so that's another story. Lekin agar as a batsman agar aap test hote ho international level pe aur matlab aapko days cricket mein pata lagta hai ki aap kahan stand karte ho, that gives you a different level of satisfaction. तो वो जो दिस इज समथिंग ये मैं कभी मतलब जान नहीं पाऊंगा कि मैं कितना बेटर या कितना गुड था या मुझे क्या करना था बेटर होने के लिए. दैट इज वन थिंग. और मेरे ख्याल से जो आप हाई पॉइंट्स कह रहे हो काफी सारे हैं. क्रिकेट हैज गिवन मी सो मच बिकॉज आई कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जम्मू, यू नो, आई कैप्टन दिल्ली व्हेन आई वाज 21. I broke Nawab Patodi's record of being the youngest captain, and later मेरे ख्याल से Virat Kohli broke that record when he captained. I think कुछ दिनों का फर्क है. Then we went on to win Ranji Trophy, and I was one of the captains along with Viru and Gautam in 2007-8 season when we won the Ranji Trophy. Lucky to be part of that team. फिर हम दिलीप ट्रॉफी जीते, उसमें भी कप्तानी करने का मौका मिला. देवदत्त ट्रॉफी जीते, उसमें भी कप्तानी करने का मौका मिला. पार्ट ऑफ द आईपीएल सेटअप जिसमें हम रनर्स अप रहे, 2 बारी सेमीफाइनलिस्ट रहे, चैंपियंस लीग जीते 1 बारी. एंड आई रिटायर्ड व्हेन आई वाज द थर्ड हाईएस्ट रन गेटर इन रणजी ट्रॉफी एवर. सो काफी सारी हाई पॉइंट्स है. इतना नाम मिला, इतनी शोहरत मिली, इतनी छोटी जगह से आने के लिए. तो आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड, ही हैज गिवन मी a lot and I'm very very thankful for that. If you were to pick one youngster who you thought would play for the country but who couldn't make it, who had the talent, who would it be? Sir, काफी सारे खेल गए now because you know the opportunities a lot more than what you know they were earlier on, and with the coming of IPL I think the recognition is more. Yeah. They know how to handle प्रेशर इन अ बेटर वे. और मेरे ख्याल से काफी सारी खिलाड़ी हैं जो मतलब नहीं खेले मगर अभी भी खेल सकते हैं, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उनके टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. मेरे ख्याल से हमारे एक खिलाड़ी हैं दिल्ली के, वो क्योंकि मैं उनको क्लोज क्वार्टर से देखते आया हूँ, प्रदीप सांगवान है. मेरे ख्याल से वो जब अंडर 19 इंडिया के लिए खेल रहे थे तो उन्हें फाइनल्स के लिए हमने बुलाया था. हम बॉम्बे में खेल रहे थे यूपी के अगेंस्ट, एंड ही टुक अ 5 for in the very first game he played. Very good bowler, he bats very well, decent fielder, he used to field at point. कहीं भी खिला लो, बैटिंग काफी अच्छी है. मेरे ख्याल थोड़ा सा इंजरीज की वजह से वो सफर किए हुए हैं, बट डजंट मैटर. आई थिंक ही स्टिल हैज गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम विद हिम. सो एंड इफ ही यू नो इफ हिज बॉडी इज वेल आई थिंक ही कैन मेक इट. देयर इज नो टू वेज अबाउट हिज टैलेंट. और मेरे ख्याल से उन्होंने कप्तानी भी करी थी 2-3 साल पहले दिल्ली के लिए, और उनकी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती है दिल्ली. एंड देयर इज अनदर गाय हु कम्स टू माय माइंड, आदित्य तरे. ही इज डन वेल फॉर मुंबई, ही इज डन वेल इन द आईपीएल. आई थिंक ही शुड आल्सो बी यू नो गिवन अ चांस इन द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम. सो यू नो यस, पीपल आर डूइंग वेल, बट प्लेंटी ऑफ दे स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन देयर हैंड. सो आई एम श्योर दे विल प्ले एंड दे विल गेट देयर चांसेस. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आपको लोग टॉम क्रूज ऑफ इंडियन क्रिकेट कहते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर देखिए, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या फील करता है या क्या ओपिनियन रखता है, तो मैं तो वो चेंज नहीं कर सकता. नहीं, पर ये तो अच्छा ओपिनियन है. ये अच्छा ओपिनियन है, बिल्कुल. आई एंजॉय इट, बट आई थिंक दे इट्स वो एक बहुत बड़े स्टार है. मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा कुछ मिलता होगा. यहाँ पे इंडिया में आदत रहती है एक दूसरे की टांग खींचने की और मजे भी लेने की, तो हो सकता है वो मजे लेने के लिए भी बोल रहे हो. तो यू नेवर नो. नहीं कहता तो मैं भी हूँ सर, मजे नहीं ले रहे. यू आर द टॉप गन ऑफ इंडियन cricket. Thank you so much, Ashwin. Thank you so much. Right. Thanks so much for your time, Mithun. It's been an absolute pleasure. Thank you, Ashwin. Thanks a lot. And stay safe, stay in. Absolutely. All the best to you. Thanks, Ashwin. Thanks.